बछड़ा दे दिया जी, रंग लगा रहे हैं बरकत भाई से। इसका पूछते हैं वजन, वजन कितना वजन हुआ इसका? 1000 का लिया है कुर्बानी के लिए जानो। अच्छा, कुर्बानी के लिए लिया है 80,000 का। और कितना? 45 किलो वजन है। 245 किलो खाली जानवर। ठीक है जी, बछड़ा नंबर 9 है और 80,000 का लिया, 245 किलोग्राम इसका कंडे पर तोल कर वजन है, 245 किलोग्राम वजन है और 80,000 का लिया कुर्बानी के लिए। काटू माल नहीं है, राखू बछड़ा है, खूबसूरत चीज़ है, खाली बछड़ा बिल्कुल बगैर पानी वाला। वजन कितना था इसका? 260 किलो। दो दांत है, 260 किलोग्राम वजन है और दो दांत बछड़ा है। कितने का? 86 का। 86,000 का, 86,000 का ये बछड़ा हुआ जी कंडे पर तोल कर। 260 किलोग्राम इसका वजन है और 86,000 का लिया, 260 किलोग्राम वजन ये भाई ने दिया, 260 किलोग्राम वजन और 86,000 का दो दांत बछड़ा। प्यारे दोस्तों, जो कुर्बानी का और काटू का वज़न है जिन भाइयों ने हमारे पास ख़रीदारी की, आगे चल के वो आपको ख़ुद भी रेट बताएंगे कि उनकी ख़रीदारी किस हिसाब से हुई, किस रेट पे हुई। सामने वाला बछड़ा दो दांत है और 283 किलोग्राम इसका वज़न है। अगर इनका सौदा इसका हो जाता है तो आपको ज़रूर बताएंगे कि ये सौदा कितने में हुआ है, क्योंकि रेट में उतार चढ़ाव आता रहता है। जब ख़रीदारी होती रहती है तो 500,000 बढ़ाना या कम करना पड़ सकता है। तो बरकत भाई इसको चेक कर रहे हैं तसल्ली से, अच्छे से। तो नंबर भी आपको आखिर तक दे दिया जाएगा, आप किसी किस्म की ख़रीदारी के लिए इंशाल्लाह मुकम्मल ईमानदारी और गारंटी के साथ, आपके साथ मुकम्मल तामन हो जाएगा। तो जो रेट है वो भी आपको ख़ुद ही बताएँगे। ये बछड़ा चेक किया जा रहा है कि ये दो दांत है या नहीं। तो आज हमारी ज़्यादा ख़रीदारी जो है वो दो दांत बछड़ों की हुई, कुर्बानी वाले बछड़ों की हुई। इस बछड़े का सौदा हो गया जी, सामने हजरत जी खड़े हैं, इन बछड़ों इन्होंने लिया है जी। ये बछड़ा हुआ है जी 88,000 का, 88,000 का जनाब ये बछड़ा ले लिया है। 283 किलोग्राम इसका वज़न है, दांतों में दो है। अब ज़रा भाई से आप रेट सुन लें जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरगोधा से आया हूँ जी, और बरकत भाई से दो गाड़ियों का माल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने जानवर लेके दिए और बहुत अच्छी ख़रीदारी हुई है। मार्केट से 5 रुपये 10 रुपये हमें कम रेट में मिला है और खुश जानवर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दो दांत बछड़े लिए हैं, खीरे लिए हैं? हमने दो दांत बछड़े भी लिए हैं और काटू माल भी लिए हैं। अच्छा, काटू माल कितने वजन वाला लिए? हमने 230-220 इस रेंज में हमें जो है ना काटू की एवरेज ली है। तो उसका एवरेज क्या रेट रहा है आपको काटू का? हमें उसका एवरेज रेट मिला है जी 295 और 290। 290, हाँ जी। ठीक है, और ये दो दांत बछड़े लिए हैं वो कितने वजन वाले लिए हैं? वो हमने लिए हैं जी 250 kg वाले। अच्छा। हाँ जी, और उनका हमें एवरेज जो वेट मिला है जी वो 310-320 रुपये मिला है। 310-320 दो दांत बछड़े, दो दांत। ठीक है, और 250 किलोग्राम वाले? हाँ जी, 250 किलो। काटू माल वो 290 से 295 थे। ठीक है, 230 किलोग्राम वाले। 230 किलो जी। और इनका ये है कि पानी वाला माल ना बरकत भाई जो है ना खुद रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा ये नहीं होता कि हम लोग फोर्स करते हैं कि आप यही माल लें। ठीक है जी, वो जो भी पानी वाला माल होता है वो कहते हैं कि ये आप ना लें, इसमें पानी ज़्यादा। ठीक है, मेरा नाम अली रज़ा है, मुल्तान से ताल्लुक़ रखता है, मुल्तान की मंडी में सब खड़ा है। और ये बरकत भाई के पास तीसरा हफ्ता हो गया हमें परचेजिंग कर रहे हैं कुर्बानी 2023 के जानवरों के लिए। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ये हमें माल ला के देते हैं, इनके जो कारिंदा हैं वो हमारी पसंद का, हमारी जो परचेजिंग है उसमें हम कलर को देखते हैं, कदकाठी को देखते हैं और प्लस हमारा रेट एक कम्पेटिटिव है, 320 रुपये के हिसाब से हम इनसे ले रहे हैं। और अभी तक माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त माल कलेक्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। हमारी जो परचेजिंग है इन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ एनिमल्स सुपर पे, और माशाल्लाह इनकी बड़ी एफर्ट्स है। कितने वजन वाला एवरेज कितना वेट ले रहे हैं? हम एवरेज जो है 250 से 300 तक के बीच में लेते हैं, क्योंकि हमारा जो बजट है हमारे माइंड में वो 70 से 90 हज़ार तक का एक जानवर होना चाहिए जो हमारे बजट ब्रैकेट में आता है। उसमें हमारी जो कॉस्ट प्रेडिक्शन है तकरीबन हमने 40,000 का बजट रखा है एक जानवर को तैयार करने का टिल बकरा ईद तक। तो इसलिए 70 से 80 तक की हमारी परचेज ब्रैकेट है, 230 के हिसाब से, 320 के हिसाब से।
230, ओए बछड़ा रंग नहीं लगाने दे रहा, 230 किलोग्राम वजन है, दो दांत बछड़ा है और 69,000 का लिया है, 69,000 का लिया जी, बछड़ा नंबर 18, 69,000 का लिया, 230 किलोग्राम वजन है, 230 किलोग्राम वजन है, दो दांत बछड़ा, दांत दिखाना इसके, दांत आपको दिखा देते हैं, दो दांत बछड़ा, ऊपर करो ना ऊपर, ठीक है बस ठीक है, हाँ आप ठीक है, दो दांत बछड़ा, 230 किलोग्राम वजन, 69,000 का लिया है, दो दांत बछड़ा है जी, रंग लगा दिए, दो दांत बछड़ा है, रंग लगा दिए, 30 नंबर। बरकत भाई से पूछते हैं इसका वजन कितना हुआ है, कंडे पे दोबारा चढ़ा देते हैं, 230 किलोग्राम वजन है, 230 किलोग्राम वजन है और कितने का लिया, 74 का जी, नाप ज़्यादा अच्छा है बछड़े का, दो दांत बछड़ा और 74,500 का, दो सौ तैतीस किलोग्राम है ना वजन, रंग लगा नंबर कितना है, 17 पीछे हटना थोड़ा, 17 नंबर है जी और 233 किलोग्राम वजन, कितने का लिए, ये 70,000 का, इधर होना थोड़ा सा, मैं छोले नहीं बेचना है आगे हटना यार, थोड़ा जी हटते जा, अच्छा मैं छोले नहीं बेचना, 71,000 का लिया जी, 71,000 का, 233 किलोग्राम वजन है, पक्का खीरा बछड़ा, पक्का खीरा बछड़ा, 71,000 का, 233 किलोग्राम वजन, बछड़ा जी 233 किलोग्राम वजन है और 71,000 का लिया, 71,000 का बछड़ा दे जी, 233 किलोग्राम वजन, पक्का खीरा बछड़ा, हजरत जी सिर्फ एक मिनट, चलो कितना वजन था इसका, 374 वजन है उस परले बछड़े का, दो दांत, 269 किलोग्राम वजन है, 1 किलो कम है, 70 से 1 किलो कम है, 269 किलोग्राम वजन है और बड़ा मात्रा सौतरी हनाल बड़ा, ये जी बछड़ी है, ये जो हाई साहब हैं इनकी ख़रीदारी हमारे पास हो रही थी, इनको बछड़ियाँ भी चाहिए थी, तो बछड़ी का जनाब दो दांत बछड़ी है, 269 किलोग्राम वजन है, ये जी एक और बछड़ी चढ़ाई है, लात तले रखी खड़ी है 310 किलोग्राम वजन है जी बछड़ी का, दो दांत है, तीन सौ दस किलोग्राम वजन है, 20 किलोग्राम बछड़ा है, 220 किलोग्राम और ये खीरा बछड़ा है, 220 किलोग्राम खीरा बछड़ा, अढ़ाई सौ से 300 किलोग्राम वाले बछड़े काटू माल का रेट हमारा रहा 300 से 310 रुपए, 310 रुपए में उस बछड़े की ख़रीदारी हुई जिसका वज़न जिसकी रानें बनी हुई हैं अच्छे वज़न में है और क्वालिटी वाला खुश्क बछड़ा है। तो प्यारे दोस्तों अभी तक आपने जो तासरात सुने जो ख़रीदारी देखी आपके सामने बराह रास्त ख़रीदारी होती रही उसका रेट आपको खुद ही जो है वो पता चलता रहा। तो अगर आप भी किसी किस्म की रहनुमाई के लिए किसी किस्म की मालूमात के लिए कंडे पर तोल कर ख़रीदारी अगर आप बुध को करना चाहते हैं लुडन मंडी हासिलपुर से 25 किलोमीटर आगे लुडन गांव में लगती है हर बुध को वहाँ भी हमारा कंडा अवेलेबल होता है। दो दांत बछड़े कुर्बानी के लिए काटू माल भी आप ले सकते हैं बरकत भाई के पास आके और मुल्तान मंडी हफ्ता और एतवार के दिन दो दिन मंडी लगती है तो आप मुल्तान मंडी में भी आना चाहें तो रابطہ कर सकते हैं। जिस तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास बार बार आ रहे हैं जो अली भाई के तासरात हमने सुने ये मुल्तान से ही हैं और पिछले साल भी इन्होंने हमारे पास से परचेजिंग की थी इस साल भी अब ये तीसरा हफ्ता मुसलसल ये आ रहे हैं और ये दो दांत बछड़े
खरीद रहे हैं। रेट एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको, जो खुश्क माल है 200 से 250 किलोग्राम, और क्वालिटी वाला बछड़ा है तो 290 से 95, वरना अगर थोड़ा मिडिल क्लास मिडिल टाइप का बछड़ा है जिस तरह हल्के वज़न में होगा या रानें ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी, तो उसकी ख़रीदारी 280 से 290 में हुई। टॉप क्वालिटी का जो बछड़ा है उसकी ख़रीदारी 290 से 95 में हुई। जिस स्टार्ट में भाई ने आपको रेट बताया, जो 250 से 300 किलोग्राम वाले बछड़े हैं उनकी ख़रीदारी 300 से 310 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से हुई। अब ये 300 से 310 के दरमियान वाली जो बात है ना, वो ये है कि अगर बछड़े की क्वालिटी हो, नाप झालर हो, रानें उसकी बनी हुई हों, वज़न के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से उसका जो बाकी हिसाब लगाया जाता है। तो आखिर में एक दफ़ा फिर आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और बरकत भाई का नंबर आपको अभी तक भी दिया जा रहा है, आप मुकम्मल ईमानदारी और गारंटी के साथ जो है ख़रीदारी करने के लिए, खुश्क बछड़ों की ख़रीदारी करने के लिए, क़ुरबानी के लिए या काटू माल जो डायरेक्ट स्टार्टर हाउस के लिए ले जाते हैं, उनकी ख़रीदारी हमारी 305 307 में होती रही आज। तो अब अगली वीडियो का इंतज़ार करें आप।